हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ शान गेम थ्रोन। और कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ही होंगे। और आज हम खेल रहे हैं दोबारा से माइनक्राफ्ट सर्वाइवल एपिसोड 2। और जिस जिसको मेरी ये वीडियो सर्वाइवल सीरीज पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि और मैं कौन से वीडियोस लाऊं। सो लेट्स स्टार्ट द। और एक और बात, आज हम खेल रहे हैं खतरनाक वाले ग्राफिक्स के साथ। अब शुरू करते हैं। कि मैं इतने ज़्यादा शॉट्स क्यों खा रहा हूँ? मेरा आर्मर ही मैंने नहीं पहना हुआ भाई। अब लग रहा हूँ ना, जो मैं घर बनाऊँ वो इस साइड बनाऊँ, मतलब इस साइड प्लेन करके एरिया यहाँ बनाऊंगा, बना दूंगा, फिर इजीली ना हम उसको लूट सकते हैं। एक सेकेंड, व्हाट इज दैट? फिर शॉट हो गई। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमें मिली रून पोर्टल और बिल्कुल विलेज के पास, और मैं इसको कुछ देखता भी नहीं था। क्या मजाक हो रहा है? Oh my god, I just found gold and apple. And then steel, some fire jar. ये सब मेरे काम कर, ये कैसे मुझे दे दो। तकरीबन यहाँ 1, 2, 1, 2, 3 ऑब्सिडियन मिल रहे हैं सिर्फ। सो फ्रेंड्स, मैंने जगह चूज कर लिया कहाँ मुझे बनाना अपना घर, और मैं अपना घर बनाऊँगा यहाँ, मतलब इस साइड पर। तो यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक बेड और एक चेस्ट रखा है, ताकि इस रून पोर्टल को छोड़ा। और मैं जा रहा हूँ माइनिंग के लिए। लेट्स गो फ्रेंड्स। और माइनिंग करने के लिए मैं पहले रास्ता बनाता हूँ, फिर। सो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ मैंने नया रास्ता बनाया और मुझे इस पर भी कुछ गड़बड़ लग रही है। हर रास्ते पर गड़बड़ क्यों होती है? तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ माइनिंग भी जा रहा हूँ और दूसरा काम, मुझे स्टोन भी मिलेगा जिससे मेरा घर बन जाएगा। गाइस, मैंने अभी देखा यहाँ बहुत सारी फिशेस आई हुई हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बैकग्राउंड माइनिंग कर रहा था तो आप देख सकते हैं मेरे पास कॉबलस्टोन बहुत सारा निकला, अभी भी मेरे पास पड़ा है। तो मैं माइनिंग इसलिए कर रहा था ताकि आयरन मिले साथ साथ, और साथ साथ कोल मिले और कॉबलस्टोन मिले। तो जैसे देख सकते हैं, मुझे 7 आयरन और थोड़ी सी कोल मिला था, जिसका मैंने टॉर्चेस बना ली क्योंकि स्टिक्स हमारे पास पड़ी हैं। नई पिकैक्स बनाई दोबारा, वो पिकैक्स टूट गई थी, और मेरे पास निकला कॉबलस्टोन अच्छा खासा, जो कि 2 स्टैक उसके अंदर है और 1 स्टैक मेरे पास है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाइए। और उसको माइनिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है। हमने भी इसी तरह ले लिया माइनिंग कर करके। अब सिंपल सा जो हमें नीड है ना, वो है सैंड की नीड। उससे पहले ना मैं इसके वो बना लेता हूँ फर्नेसेस। 4 फर्नेसेस में जल्दी मेल्ट होगी क्या? या जल्दी मेल्ट हो जाएगी? तो ये जो ये है ना, ये 4 फर्नेसेस में जल्दी मेल्ट हो जाएगा। कोल तो है मेरे पास अच्छा खासा भी, कोल की माइनिंग का तो फिक्र नहीं, कोल तो है अच्छा खासा। हाँ, मुझे कॉबलस्टोन की कमी पड़ सकती है, जिसके लिए मैंने कॉबलस्टोन तोड़ लिया है। अभी हम और माइनिंग करेंगे, उससे पहले मैं ना, हाँ चले माइनिंग के लिए ही चलते हैं, बाकी जितना कॉबलस्टोन था। और अगली वीडियो में हम घर बनाएंगे, सिंपल सा मैं अभी बोल रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, हम अगली वीडियो में घर बना लेंगे। तो यहाँ ना मैं जल्दी से माइनिंग करता हूँ और फ्रेंड्स ट्राई करता हूँ कि मुझे कुछ मिले। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं माइनिंग करके आ चुका हूँ और मैंने रिकॉर्ड किया था, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन गई थी जिसकी वजह से मैंने माइनिंग सेक्शन हटा दिया, बट मेरे पास प्रूफ है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा दूर तक माइनिंग की है, और
दूसरी बात, जितनी भी पानी के सारे सामान ये रहा। और बस इस वीडियो को बंद करने का टाइम आ चुका है, और अगली वीडियो में हम अपना घर पक्का कंफर्म बनाएंगे, और हम सैंड जमा करके अभी रख लेते हैं जल्दी से, ताकि हम अगली वीडियो में सैंड मेल्ड करें डायरेक्ट, स्मेल्ड भी मिले और ग्लासेस में हो। उससे पहले आप ये देख सकते हैं सारा, मैं ये सारे सामान रखी जल्दी से सैंड कलेक्ट कर, फिर मैं आपको मिलता हूँ सैंड तोड़ने के बाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं ले आ चुका हूँ सैंड, इसमें से मैं ले लेता हूँ कोल, तो कोल है ये रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं सैंड ला चुका हूँ, और मैं वन स्टैक यहाँ रखूँगा, तो इसके लिए मैं 28 डालूँगा इधर, और वन स्टैक इधर इधर, इसमें थोड़ा सैंड और है तो मैं ना इसको इधर डाल देता हूँ। और तो जब तक फ्रेंड्स ये सैंड मेल्ट होगी, ग्लास में बनेगी, तब फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलेगा, और 100 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से ले जाएं, ताकि मैं अपना फेस कैम रिवील कर दूँ। तो के लिए बाय बाय।